कमिश्नर्स बंगलो। तो कमिश्नर्स बंगलो पहले ऐसा था, देखो एक बार क्या था ना, इधर में छोटा सा तोप है, इधर में बड़ा सा तोप इधर रहता होगा। ऊपर में कुछ ऐसा है, टोटल सब कुछ प्लान्ड है, प्लान्ड सिटी बोल सकते हो तब का। और तीनों तरफ का यहाँ से समुद्र दिख जाता है, और पोलर में एंट्री आपका यहीं से होता है, आपका शिप जितना भी है ना यहाँ से जाके हेडो में जाता होगा, तो सब यहाँ से दिखता होगा। और ये पावर हाउस था शायद, करंट वेंट सप्लाई यहीं से होता था सब। और ये पीछे तरफ एक बार अंदर जाके दिखाते कि बंगलो वो टाइम में कैसा था वो तो मालूम नहीं चलेगा, अभी कैसा है वो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा कि कैसा था फोटो देख के। अभी तो खंडर बन गए टोटली, और रूम भी छोटा मोटा रूम नहीं है, काफ़ी बड़ा रूम है। क्या लग्जरी लाइफ था होगा, क्या लाइफस्टाइल था होगा उन लोग का वो टाइम में। बंगलो से आगे अभी सामने दो रोड है, अभी कहाँ जाना है हमको देखना पड़ेगा। एक तो यहाँ जाते हैं शायद, यहाँ जनरेटर कुछ हो गया ना, ये तो पावर हाउस में जाते रोड, और एक रोड जाते सामने, सामने जाते ये पावर हाउस की तरह यूज करता होगा, लेकिन डिज़ाइन देख के तो लग रहा है कि बहुत पुराना बिल्डिंग होगा इसको। हाँ, इसको थोड़ा सा मरम्मत करके काम कर देगा, वहाँ में जेनसेट है, रॉस आइलैंड का पावर सप्लाई यहीं से होता है, डिफेंस लोग जहाँ रहते। सबसे बोलने से लगता ठीक हालात पे यही एक ही है बिल्डिंग, बाकी तो मैक्सिमम डैमेज हो चुके हैं। एक ही चीज़ जो दिख रहा है कि सबसे बढ़िया पेंट भी सही दिख रहा है, पेंट सही है, बिल्डिंग भी स्ट्रक्चर सही है, डैमेज बहुत कम चीज दिख रहा है। देखो कि क्या है व्यू ऐसा है, इस चीज़ का बात कर रहा था। पेंटिंग भी देखने से लग रहा है कि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, और ये है बैरक, ट्रूप्स यहाँ रहते थे। ये है तब का कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ऐसा है, अभी तो कुछ ऐसा है। ये देखने से लग नहीं रहा है कि इतना पुराना होगा, लेकिन है एक्चुअल उतना पुराना ही है, स्कूल टाइप में दिख रहा है, और अभी भी कंडीशन अच्छा ही है। अभी यहाँ से साउंड इको होगा, अंदर में कोई सामान नहीं है ऐसा कुछ है। ट्रूप्स का बैरक टोटली खुला है, ओपन है, शायद क्या बोलते इसको, डॉर्मेटरी की तरह रहते होंगे, यहाँ बेड रहता होगा, दो तरफ में दो अलग अलग रूम में। कमिश्नर बंगलो का ठीक बगल में ट्रूप्स का बैरक है, तो कमिश्नर एकदम सेफ। हाँ, कमिश्नर एकदम प्रोटेक्ट कर चुका होगा, टेक्नोलॉजी अच्छा था वो लोग का बस ना, डेवलप कंट्री थी ना वो लोग, होटे में डेवलप ऑलरेडी डेवलप कंट्री था, तो वो लोग के लिए ये सब नॉर्मल बात है।
ये जो बैरक है ना, बैरक आपको वहाँ से लेके शायद टोटली पूरा कनेक्ट वहाँ तक होगा, और इतना पोर्शन ही आपका अच्छा है, बाकी आपका डैमेज हो गया है। बहुत ही काफ़ी लंबा है ना, बहुत जन रहते थे होंगे वो टाइम में। कहाँ से वहाँ से लेके अभी एंड तक पहुँचे नहीं हम लोग, 100-150 मीटर तो हो ही जाएगा। ये सामने जो एरिया देख रहे हो, ये जितना छोटा गाड़ी दिख रहा है ना बैटरी वाला, यहाँ में चार्ज करता होगा, और इसका मेंटेनेंस नेवी करता होगा, नेवी कोस्टल बैटरी। ये जो रोड जाता है, ये जाता है आपका लाइट हाउस के लिए, जहाँ में आपका बैटरी चार्ज होता है। ये जो गाड़ी चल रहा है रॉस आइलैंड में, उसका ठीक बगल से लेफ्ट साइड होके होके जाएगा। तो चलते एक बार आगे सामने तरफ चलते। पानी मार रहे पूरा। पानी देख रहा ना पूरा हल्का। और जोर से मार रहे पानी। कम आएगा। पानी पिला दिया मुझे समुंदर का। बस पहुंच गया एकदम लास्ट एंड पे। लाइट हाउस ठीक सामने है। लाइट हाउस को ज्यादा दिन तक लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए। मुझे पूरा भीग गया एक्चुअली। क्या वहां में पानी जोर से मार रहे ना, पानी मारे थोड़ा मुंह में आ गया। तो वो रहा रॉस आइलैंड, और हम लोग है रॉस आइलैंड का लाइट हाउस जाने का रास्ते में। लाइट हाउस को जा नहीं पाओगे आप, यहाँ तक ही जा सकते हो, ऐसे वहाँ जा नहीं सकते। पत्थर में यार लो टाइम में जा सकता हो ना, पत्थर दिख रहे हैं ऊपर से। अभी तक पानी ज़्यादा होगा, पत्थर टाइप में पूरा बैरियर टाइप में दिख रहे हैं। तो पत्थर में पानी देख रहे हो ना, भिगा दिया रे, पूरा भिगा दिया। बहुत ही जोर से मार रहे हो, ब्रिज टूट ना जाए। चुप चुप बोलो रे। अभी जा रहे हैं हम लोग आइलैंड पे। बहुत पानी जोर से हवाएं मार रहे हैं, पानी पिला दिया समुद्र का। आने के टाइम जितना हल्का था ना, उससे ज्यादा हो गया, डबल हो गया। अभी दोनों तरफ में देख सकते हो कि पूरा सफेद हो गया।
दो तीन बार पानी मैं पी चुका हूँ समुद्र का। लाइट हाउस को वहाँ से आगे पूरा पसीना से भी भीग गया और पानी से भी भीग गया। तो अभी जा रहे चर्च के ठीक बगल में और एक जगह है, शायद बीच किनारे जाता होगा। एक बीच तो नहीं दिख रहा है, समुंदर पूरा पानी दिख रहा है, तो वहीं तक जाके आते एक बार छोटा सा राउंड मार के आते। ये है आइलैंड का दूसरी तरफ, बीच नहीं है यहाँ, उधर में हल्का सा बालू दिख रहा है और बाकी सब जगह पत्थर है। बस ये साइड के इधर, ये साइड में टोटली ओपन है, ये तरफ में कोई आइलैंड है नहीं। और ऊपर में एक बंकर टाइप में है, बंकर है, तो चलते प्लानिंग अच्छा से बना कर रखा। ए हम आओ यहाँ से जाएंगे, प्रॉपर प्लान सिटी था वो टाइम का। कनेक्टिविटी रोड देखो आइलैंड का, हर तरफ में चारों दिशा में रोड है। रोड मीन्स फुटपाथ टाइप में, वॉकेबल डिस्टेंस है। मैं तो कहूँगा आप बैटरी वाला गाड़ी से अच्छा है खुद चल के घूमो। हाँ वो है वो, और एक बात है कि टाइम का शॉर्टेज रहता है, एक घंटे टाइम देते हैं कि चल के घूमने से उतना देख नहीं पाओगे। अगर एनर्जेटिक हो तो फटाफट फटाफट करके घूम सकते हो, नहीं तो आपका मर्जी, गाड़ी में भी जा सकते हो चल के भी जा सकते हो। तो आइलैंड का लेफ्ट साइड होते होते जा रहे हैं हम लोग। एक टाइम में यहाँ रोड था फुटपाथ टाइप में था, अभी दोनों साइड में बाउंड्री दिख रहा है ना, ये अरे ये दोनों बाउंड्री दिखते हैं, फुटपाथ था अभी और है नहीं, चल सकते फिर भी। ऊपर मंकर आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी लेफ्ट साइड घूम घूम के सीधा राइट होते हुए निकलेंगे आइलैंड का, शायद वो तरफ में लास्ट तक पहुंच गए हम लोग, वही लास्ट है शायद। देखो आइलैंड के घूम कॉर्नर में आ चुके, जितना भी ऐसा ये ऐसे देख रहा ना, ये जो पत्थर मतलब ये जो मेरी टाइप में बना कर रखे सब फुटपाथ का, दोनों तरफ का मेरी है, बीच में से फुटपाथ का। तो यहाँ में एक बंकर है, बंकर उससे बड़ा वाला ये काफी लंबा है। ऐसे वहां नैरो है एकदम पूरा, ये जो टॉप है ठीक इसका अंदर से नीचे से हम लोग आए, ये जो है यहाँ से आपका लाइट वगैरह जाता होगा, हवा जाता होगा और वो बंद करके और एक एंड पॉइंट इधर खत्म होता है, यहाँ खत्म। यहाँ एक गोल सा बना के रखा है, शायद वो टाइम में कुछ बड़ा तोप वगैरह कुछ लगता तो होगा ना ना। और ठीक सामने पुल बेयर का साउथ पॉइंट,
रॉस का और एक एंड ये तरफ एंड पॉइंट। ठीक है अभी निकलते आगे बढ़ते, राम से भी लंबी है, ऊपर चढ़ी है नहीं। हाँ तुम भी ऊपर चढ़ जाओ। फिर भी लंबी है बस आजकल इतना ही, सब देख रहे हैं तेरा हरकत, सब देख रहे हैं। पार्क में सिर्फ हमारे दो जन के अलावा एक लड़की है, लड़की मीन्स ये लड़की है, और फिर तीन हजार में तीन में से दो का सिंह है, एक का सिंह नहीं है, एक चले गया और ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। सामने ये तालाब, बस एक ही चीज बाकी है तालाब, जो कि मेरे पास आएगा नहीं, मुझे जाना है। काफी ठीक है, अच्छा खासा बड़ा तालाब है, हलेली साहब तो ठीक ही है। अभी वो टाइम किस चीज के यूज होता था पता नहीं, शायद पीने का पानी यहाँ से फिल्टर करता था लेके कहीं से। देखते देखते बारिश जोर हो गई। तो अभी जाने का टाइम हो गया, लेकिन अभी साइक्लोन आ गया, पीछे का जो बैकग्राउंड में देख रहा हूँ ना पोर्टलर का जो मेन जगह, तो वहाँ से शायद अभी दिख भी नहीं रहा होगा साइक्लोन की वजह से। तो अभी थोड़ा बारिश रुकेगा, थोड़ा बारिश कम होएगा तो बोट आएगा, तो बोट पे चढ़ के जाएंगे मेन पोर्टलर तक। तब तक यहाँ वेट करते हैं, तो वीडियो को यहीं एंड करते। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, खराब लगा तो डिसलाइक कर दो। अगर कुछ सजेशन देना है, कुछ करना है तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राम बाय बाय बोल दो। हाँ भाई बाय बाय, बाय बाय सबको, बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर, इसका भी डॉक्टर राम करो सबके लिए। बाय बाय।